हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस बीच पार्टी गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन मामला संभला हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस में बड़े नेताओं के बेटों के टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ है। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया है और किस तरह से टिकट का बंटवारा होगा इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से वापस कांग्रेस में लौटे वीरेंद्र चौधरी सिंह अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को सांसद रह चुके हैं, उनके लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में उचाना कला से सीट से बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला खुद को कैथल सीट से टिकट चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं मिलने की सूरत में बेटे आदित्य के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा हिसार से सांसद जयप्रकाश अपने बेटे विकास के लिए कलायत से टिकट चाहते हैं। इस बीच भूपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी विधानसभा का टिकट मांगा है। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी ने फैसला लिया है कि किसी सांसद को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सीएम की दावेदारी करने वाले कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपने लिए टिकट मांगने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो पार्टी आलाकमान से हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे हैं। इसी दाव की काट के लिए हुड्डा खेमे ने नया दाव चला है। सीईसी की शुक्रवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब कमेटी के मुखिया मधुसूदन मिस्त्री से नेता पुत्रों के टिकट पर फैसला करने की बात कही तो मिस्त्री ने फौरन कहा कि मेरा काम उम्मीदवारों की छानबीन करने का है, टिकट देना या नहीं ये आप और राहुल गांधी जी तय करें। उनके इस बयान पर फौरन सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि टिकट मेरिट के आधार पर नहीं दिए जाए। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद विदेश गए, राहुल गांधी से संपर्क करके इस मसले पर फैसला लेंगे। अब ऐसे में साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की राह आसान नहीं है। जहां कांग्रेस को जीत की सुगबुगाहट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को डर है कि कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठा रही है, जिससे पार्टी के अंदर बैलेंस बना रहे और किसी भी तरह से पार्टी को गुटबाजी का नुकसान ना उठाना पड़े। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की जीत की हैट्रिक भी लगना आसान नहीं है। बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो हरियाणा भाजपा में भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वही भाजपा में इस्तीफे की झड़ी लग गई। अब ऐसे में भाजपा सत्ता में आने से पहले अपने घर को बचाने में लगी है।